हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है जीपीसी भर के वीडियो लेक्चर्स में। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फोर्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच की टॉपिक। लॉजिक फैमिली का जो पार्ट है वो है टीटीएल। टीटीएल का फुल फॉर्म होता है स्टूडेंट ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक। ओके, जैसा कि लास्ट क्लास में हम पढ़े थे डीटीएल के बारे में, डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक, वहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही थी, क्या डिसएडवांटेज थी कि उसकी स्पीड जो थी वो कंपैरेटिवली स्लो थी। तो जो TTL है वो एक तरह का मॉडिफिकेशन है DTL का। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, डायोड की जगह ट्रांजिस्टर यूज़ कर रहे हैं। आप अगर DTL का आपको फिगर याद हो तो आपको याद होगा दो डायोड कनेक्टेड थे। यहाँ पे हम क्या किए हैं, मल्टी इमीटर ट्रांजिस्टर का यूज़ हुआ है। आप जैसा ये देख रहे हैं, ये कैसी ट्रांजिस्टर है, ये है मल्टी इमीटर ट्रांजिस्टर। इसमें एक से ज़्यादा इमीटर पार्ट आपको दिख रहा है और ये जो इमिटर पार्ट है ये इनपुट के लिए यूज होता है। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पे भी हमने दो डायोड बैक टू बैक यूज़ किया था डीटीएल में। यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो ट्रांजिस्टर बैक टू बैक यूज़ करेंगे। और यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, आउटपुट ले रहे हैं। जैसे डीटीएल कौन सा काम करता था स्टूडेंट, डीटीएल एक नैंड गेट की तरह काम करता था, मल्टी इनपुट नैंड गेट। तो यहाँ पे भी ये क्या काम होगा, ये जो TTL है ये भी कैसे काम करेगी, TTL काम करेगी एज अ मल्टी इनपुट NAND गेट। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके ऑपरेशन के बारे में हम देखते हैं। स्टूडेंट्स, ये तीन यहाँ पे इनपुट है। ओके, तीनों में से कोई भी एक इनपुट अगर लो हो, लो हो मतलब जीरो हो, तीनों में से कोई भी एक इनपुट लो हो यानी कि जीरो हो, तो यहाँ पे देखिएगा वो जो है ट्रांजिस्टर का वो पार्ट कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा फॉरवर्ड बायसिंग में। ठीक है, फॉरवर्ड बायसिंग मतलब शॉर्ट सर्किट। ओके, बाकी को छोड़ देंगे, बस एक का ध्यान रखिए, कोई भी एक जीरो होने पे वो पार्ट क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। अब ये जीरो जीरो यहाँ से कनेक्टेड हो जाएगी इस ट्रांजिस्टर T2, ट्रांजिस्टर T2 के बेस पे क्या जाएगी, जीरो जाएगी। जीरो से ये क्या हो जाएगा ट्रांजिस्टर, ये चला जाएगा कट ऑफ में। कट ऑफ में ये किस तरह काम करेगा, ओपन सर्किट। ये ओपन सर्किट होने के कारण ये भी ट्रांजिस्टर क्या जाएगी, ओपन सर्किट हो जाएगी। ओके, मतलब ये दोनों ट्रांजिस्टर ओपन सर्किट हो गई, कब, जब तीनों इनपुट में से कोई एक भी इनपुट क्या है, जीरो है। ये ओपन सर्किट, ये ओपन सर्किट, मतलब वी आउटपुट जो है वो टोटली डिसकनेक्ट हो गई इन दोनों पार्ट से। ओके, उस केस में वी आउटपुट किससे कनेक्टेड है, VCC से कनेक्टेड है। ओके स्टूडेंट, मतलब तीनों में से अगर कोई भी एक इनपुट जीरो हो तो ये दोनों ट्रांजिस्टर ओपन सर्किट हो जाएंगे और वी आउटपुट जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाएगी किससे, VCC से। VCC से कनेक्टेड है तो इसकी हमें आउटपुट क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। ओके, आप इसका ट्रुथ टेबल देख सकते हैं स्टूडेंट। ओके, यहाँ पे क्या है, मतलब आप कोई भी एक अगर ये है इनपुट हमारे पास क्या है, कोई भी एक इनपुट जीरो है तो आउटपुट हमें क्या मिल रही है, आउटपुट हमें 1 मिल रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ओके, अब एक और केस कंसीडर करते हैं स्टूडेंट, जब तीनों इनपुट 1 हो। स्टूडेंट, ऑल द थ्री इनपुट्स आर 1, ऑल थ्री इनपुट्स आर 1, मतलब तीनों इनपुट क्या हो, हाई हो। 1 का मतलब क्या होता है, हाई हो। अभी क्या होगा स्टूडेंट, ये तीनों इनपुट क्या है, हाई हैं। मतलब ये ट्रांजिस्टर, ये तीनों पार्ट्स जो हैं ट्रांजिस्टर के इमिटर, ये कैसे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे रिवर्स बायस, ये हो जाएंगे रिवर्स बायस। रिवर्स बायस होने के कारण ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे ओपन सर्किट, ओपन सर्किट। ओके, रिवर्स बायस होने के कारण ये क्या हो जाएंगे, ओपन सर्किट, मतलब ये सर्किट से इसका कनेक्शन खत्म हो जाएगा। ओके, ये पार्ट पूरा खत्म हो गया जब तीनों 1 है। अब क्या हो रहा है स्टूडेंट, ये जो VCC है, ये इसके बेस से ट्रांजिस्टर, ये VCC अब यहाँ पे आएगी। VCC जब यहाँ पे आएगी तो ये ट्रांजिस्टर कौन से रीजन में चली जाएगी, ये ट्रांजिस्टर चली जाएगी सैचुरेशन रीजन में। ओके, ये सैचुरेशन में रह जाएगी और यहाँ पे भी वोल्टेज क्या है, ग्रेटर हो जाएगी, तो ये भी क्या चीज में चली जाएगी, सैचुरेशन रीजन में। जब तीनों इनपुट 1 हो तो ये तीनों ट्रांजिस्टर, ये जो तीनों यहाँ पे, ये इसकी इमीटर के जंक्शन है, ये क्या हो जाएगी,
रिवर्स बायस, जिसके कारण ये क्या हो गई, ओपन सर्किट। अब वीसीसी डायरेक्टली आ रही है इस ट्रांजिस्टर के बेस में, जिसके कारण ये सेचुरेशन में जा रही है। और T3 भी कहाँ जा रही है, सेचुरेशन में जा रही है स्टूडेंट। अब देखिए सेचुरेशन में मतलब ये एज ए शॉर्ट सर्किट काम करेगी। इस ट्रांजिस्टर को कैसे रिप्लेस कर देंगे हम, एक शॉर्ट सर्किट एलिमेंट से। इस ट्रांजिस्टर को भी कैसे रिप्लेस कर देंगे, शॉर्ट सर्किट एलिमेंट से। तो अभी देखिए स्टूडेंट, अभी क्या हो रहा है, जो वी आउटपुट है वो डायरेक्टली शॉर्ट सर्किट से कनेक्ट होकर ग्राउंड में जा रहा है। दोनों ट्रांजिस्टर ग्राउंड से कनेक्टेड है, वी आउटपुट शॉर्ट सर्किट होकर ग्राउंड में जा रही है। तो इस केस में वी आउटपुट किससे कनेक्टेड हो गई, ग्राउंड से कनेक्टेड हो गई। ग्राउंड से कनेक्टेड हो गई मतलब हमें क्या मिलेगा आउटपुट, हमें मिलेगा आउटपुट जीरो। आउटपुट जीरो कब मिलेगा स्टूडेंट, जब तीनों ट्रांजिस्टर की इनपुट क्या हो, वन हो, तीनों इनपुट वन हो। और ये दोनों ट्रांजिस्टर कैसे हो काम करेंगे, शॉर्ट सर्किट में, शॉर्ट सर्किट हो गई तो यहाँ पे हमें मिला आउटपुट जीरो। तो ये आप ये देख रहे हैं, अगर इसके ट्रुथ टेबल को आप देखेंगे तो ये ट्रुथ टेबल किस की तरह शो कर रही है, ये नैंड गेट के ट्रुथ टेबल की तरह शो हो रही है। ओके, जब भी कोई एक इनपुट जीरो है तो आउटपुट क्या मिल रहा है, वन। जब तीनों इनपुट हो गए वन तो हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, जीरो। मतलब जो आपका ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक है वो किस की तरह काम करता है, नैंड गेट की तरह काम करता है। ओके, और जो हमारा DTL था, डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक, वो भी किस तरह काम करता था, वो भी नैंड गेट की तरह काम करता था। ओके स्टूडेंट्स, जो TTL है वो थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है DTL की। यहाँ पे हम डायोड की जगह ट्रांजिस्टर का यूज़ करते हैं। आपको याद रखना है, इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे किसका यूज हुआ है, यहाँ पे मल्टी इमिटर ट्रांजिस्टर का यूज हुआ है। तो आपके ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जा सकते हैं कि मल्टी इमिटर ट्रांजिस्टर जो हैं वो कौन से लॉजिक फैमिली में यूज होते हैं। तो मल्टी इमिटर ट्रांजिस्टर किस में यूज होते हैं, TTL लॉजिक फैमिली में यूज होते हैं। ये किस तरह काम करती है, ये नैंड गेट की तरह काम करती है। TTL किसका मॉडिफिकेशन है, तो TTL DTL का मॉडिफिकेशन है डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक का। ओके, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे स्टूडेंट। इसकी जो है ये लो कॉस्ट है, इसकी जो कॉस्ट क्या पड़ती है, कंपैरेटिवली लो होती है। इसकी कॉम्पैटिबिलिटी ज़्यादा है, कॉम्पैटिबिलिटी ज़्यादा होने का मतलब ये है स्टूडेंट, ये किसी भी दूसरे सर्किट में इजिली हो जाती है, इजिली यूज हो जाती है, कॉम्पेटिबल हो जाती है। और इसकी एक इस हालांकि स्टूडेंट इसकी स्पीड जो है वो DTL से ज़्यादा है, लेकिन फिर भी इसकी ओवरऑल स्पीड जो है वो थोड़ी कम है। ओके, तो इसे हम लोग लो स्पीड ऑपरेशन में हम इसे रखते हैं। ओके, और ये पावर कंजम्पशन ज़्यादा इसका होती है, इसकी पावर कंजम्पशन क्या है, ज़्यादा है। जैसे आप देख सकते हो मल्टी इमिटर ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करने में पावर कंजम्पशन क्या हो जाती है, थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो ये एक तरह का इसका डिसएडवांटेज है। ओके स्टूडेंट्स, आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।